हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यमी इंडियन रेसिपी। आज मैं आपको आलदार प्याज का भरता बनाना सिखाऊंगी। देखिए, इसको कैलकॉट बोलते हैं, जिसको मैंने मन महीन काट लिया। इसको कुछ लोग आलदार प्याज बोलते हैं, कुछ लोग ग्रीन अनियन बोलते हैं। तो ये है, हमने महीन महीन काट के रख लिए। ये हमारे उबले हुए पटाटो फोड़ के मैंने रख लिए हैं, आप जैसे देख रहे हैं। ये है हमारी कुटी हुई रेड चिली, कश्मीरी लाल मिर्च, ये कुटी हुई है। ये स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 4 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है कढ़ाई में। अब हम इसमें जो है अपनी ये ग्रीन प्याज कैलकॉट डालेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे, जब तक ये हमारी थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी। इसमें इसको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, इस कढ़ाई को, जिससे कि हमारी प्याज जले भी नहीं और हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। हल्की सी गुलाबी होने तक हम थोड़ा इसका वेट करेंगे। इसके आगे मैं भी आपको बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी कैलकॉट आलदार प्याज, जिसे कहते हैं ग्रीन अनियन, अच्छे से हो गई है हमारी इस तरह से। अब इसमें हम जो बॉईल करे हुए आलू थे, फोड़े हुए, मथे हुए, अब वो जो है हम इसमें सब डाल देंगे। इस तरह से करेंगे। देखिए, आप ये रेसिपी लास्ट तक देखिए किस तरह से हमें करने हैं। अब इसमें हम जितना आप नमक पसंद करते हैं, आवश्यकता अनुसार इसमें सॉल्ट और नमक डालेंगे, और जो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने कुटी हुई आपको दिखाई है वो इसमें डालेंगे अच्छे से, और फिर इसको जो है हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मिर्च इस तरह से मिलाएंगे पूरे में। ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, मोटी कुटी हुई। अब वो आपको पर डिपेंड है, आप महीन डालना चाहें तो महीन डाल सकते हैं, मैंने मोटी कुटी डाली। ये सॉल्ट है, ये स्वाद अनुसार डालेंगे। और अगर आपको उसके बावजूद भी अगर कम लगती है नमक या मिर्च, तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको जो है मिक्स कर देंगे। ये सबसे फास्ट रेसिपी है, इसमें किसी तरह की कोई झंझट नहीं है, कोई छौका वगैरह नहीं है। इसमें बस जो भी कमाल है इस ग्रीन अनियन का है। इसको बस अच्छे से आप फ्राई करें, जब तक ये हमारी सॉफ्ट ना हो जाए, हल्की सी गुलाबी ना पड़ जाए, जब तक, बस इसी का कमाल है। क्योंकि इसकी जो फ्लेवर, इसका जो खुशबू है ना, वो बहुत कमाल की होती है इस आलूओं में। और जब ये गरम गरम आलू इस तरह से बन के तैयार हो जाएं, तो इसको जो है हम हल्के से अपने किसी थाली से या ढक्कन से ढाँक के रखेंगे, और इसको जब गरम गरम हो तो इससे जो है आप गरम गरम चपाती में बटर लगा के या देसी घी लगा के या पराठे के साथ परोसे, और इसके साथ जो हमने मटर आलू पुलाव में बनाया था उसके साथ एक सॉस बताई थी ग्रीन कलर की सॉस, तो इसका सॉस का भी इस्तेमाल इसके साथ आप कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने मटर आलू पुलाव के साथ सॉस बताई थी, तो इस सॉस का इस्तेमाल आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो आप इसे जो है पराठे चपाती के साथ, बड़े चाव के साथ खाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि ये जो डिश है ये सिर्फ ठंड में खाई जाती है, क्योंकि इसमें ये जो आलदार, जो कैलकॉट वाली जो अनियन है, ग्रीन ऑनियन, ये सिर्फ ठंड में आती है। ये ठंड का भी खाना है एक तरह से, क्योंकि आजकल आलू भी बढ़िया आ रहे हैं, नया आलू आया हुआ है मार्केट में, और ये प्याज भी आती है ठंड में, तो आप ये बना के खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बताई हुई पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं इंस्टाग्राम पर भी रहती हूँ, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, और इसमें जो है लास्ट में अगर आप चाहें इसको सजाने के लिए, तो गार्निश करा हुआ धनिया, कटिंग करा हुआ महीन कटा हुआ धनिया भी इसको ऊपर डाल दें, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी डिश आपकी। खाने वाला हर यही कहेगा, वाह क्या डिश बनाई है, मुझे भी तो बताना ये कैसे बनाई है आपने। तो इसमें आप कटिंग करा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो
तो बाय बाय फ्रेंड्स।